अंकल कह रहे हैं आइसक्रीम खाएंगे तो इनका भी मन करेगा, आप भी खा लो भाई, आप सबके लिए ले लूंगा, ये सब्सक्राइब कर देंगे इनके लिए भी ले लूंगा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज लेकर आ चुके हैं एक और व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और मैं आ चुका हूँ ऑफिस। आज की रूटीन एकदम सेट है, थोड़ा सा काम आएगा वो करेंगे, कल शनिवार है, आज फ्राइडे है, लेकिन ये व्लॉग शायद हो सकता है कल कल ही है, तो काम करते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है पूरे दिन में, मैं आपको एक एक अपडेट देता रहूंगा। चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये ऑफिस में ना मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, सूख रहा था, सूख रहा मैं सूखा ऐसे पानी का स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि जेट प्लांट है ना, ज़्यादा पानी चाहिए नहीं इसको। पानी डालते डालते सामने कौन आ गया, वाइट कबूतर, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, मजा नहीं आ रहा है। अभी बर्स ये कुछ बड़ा था, ये कुछ बड़ा था, ये बाल, ये कुछ बड़ा था, उससे क्या हुआ, वीडियो बन रही थी, मतलब वीडियो बन रही है तो ये तेरे साथ कुछ भी, ये तेरे साथ कुछ भी कर देगा। और अगर इस बंदे के लग जाती है क्या रिएक्ट करता हूँ, क्या बोल रहा था साले, क्या बोल रहा था बता, मतलब नहीं पूरा नहीं है, मैंने आधे रिकॉर्ड किया है। गाइस मारा इसने कोने वाले ने। हाँ भाई ऐसी हरकतें क्यों करता है, अब मैं मार दूँ इसको, है काम ही करता है ऐसे, मैं क्या करूँ, मार देते भारी, मार 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 लेके जाएंगे, हाँ मार, ये मैंने क्या कर लिया, तू देश के भाई, यहाँ लगना चाहिए निशाना माथे के बीच में, एकदम माथे के बीच में, अगर नहीं ताना लेके, ताना लेके एकदम, वन टू, वन टू, कान के पास से निकल गई गोली, कान के पास से। अबे यार गाइस निकलने का टाइम हो गया है, फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, देखो स्कूटी पे प्रॉपर ब्रांडिंग करा दी है जितिन ठाकुर व्लॉग्स की, ये देखो, ताकि कोई देखे तो बाहर से सब्सक्राइब कर ले। तो घर आ चुके हैं, घर पे आके दोबारा से खाना पीना चल रहा है, और आज ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया था। जा बेटा तू गुरुद्वारे में खा, आज आप गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे में खा के आओ। गुरुद्वारे में क्या भाई, भाजी शक्ल तो आपकी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आप लंगर मांग के खा रहे हो। हाँ तो हम है ना, ये तो आतंकवादी की सदर का लग रहा है। आज हमारा भाई दिलेर मेहंदी में खा के आएगा खाना, दिलेर मेहंदी में नहीं गुरुद्वारे में, दिलेर मेहंदी गुरुद्वारा, दिलेर मेहंदी हमारे यहाँ पे एक जगह है दिलेर मेहंदी, वहाँ पे गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे लंगर चलता है, तो हम वहाँ पे भी जाके कभी कभी खा लेते हैं, क्योंकि भाई देखो सेवा तो करते हैं, प्रसाद वो प्रसाद होता है तो ठीक है, तो वो चीज़ भी हम खाते हैं, प्रसाद खाने में कैसी बुराई है ना, तो मम्मी प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, चाहे वो गुरुद्वारे का हो, चाहे वो मंदिर का हो, मम्मी रोटी चाहे वो मस्जिद का हो, कहीं का भी हो, जितना प्रसाद नहीं होता वैसे। हमारा ये बेटा दिलेर मेहंदी तारा वाला। व्लॉग में तुम खाना खाते थे को देखते हो कितना खाते हो, इसलिए सवेरे खाना बनाने के टाइम पे क्यों आ जाता है पहले ये बता भाई, तुम खाना खाते हो तो सुबह पता कितनी दिक्कत होती है, तुम जितना खाते हो ना उतने तो दरवाजा नहीं खुलता तुम्हारा, हमारे घर में दो टॉयलेट है, दोनों में एक इधर रहता है एक इधर रहता है, दरवाजा नहीं खुलते, हम डायपर पहनते डायपर, तेरी तरह वॉशरूम में रहते हम डायपर में, ये सक्सेस है, सक्सेस है ना, फुल साइज का लाते, फुल साइज का वाटर फ्लोड, ये सक्सेस है, और सवेरे फ्लोड में फेंक देते, फ्लोड में फेंक देते इसको, साफ वो जो डायपर बच्चों के नहीं होते क्या, वो तेरे होते फुल साइज, फुल साइज डायपर, हां वाटर प्रूफ, तो डायपर मत पहना कर, तो पता क्या पहना कर, तो मुंह पे पजामा पहन ले, क्या पहनेगा, क्या पहनेगा वो मैं दिखा दूंगा साइड में वीडियो में, पब्लिक को हो रहा है, यहाँ पे खाना भी चल रहा है, यहाँ मशीन भी चल रही है, यहाँ टीवी भी चल रहा है, इतना एंटरटेनमेंट जिंदगी में, यही होना चाहिए जिंदगी में ना। देखो गाइस कपड़े कैसे घूम रहे हैं, घूमो 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 घूम गया मशीन, देखा इसे कहते हैं जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। और ये बल्ला क्यों रखा हुआ तूने वैसे पलंग पे, मारने के लिए मेरे को मारेगी ये, सिर्फ सर फोड़ दूंगा मैं सर, इस मेरे से कह रहा है कि इसकी शादी का प्रैंक बना दो, लेकिन कोई इसे ये भी तो बताओ इसकी शादी होनी तो है नहीं, तो प्रैंक किस चीज का बनाना है, अरे जरा हम एकदम रेडी होके, सुबह हो चुके हैं तो हम रेडी होके अब जा रहे हैं बिरला मंदिर, क्योंकि आज संडे था तो इसका मन कर गया कि आज इसे बिरला मंदिर घुमा दें, आज मैं बिरला मंदिर जा रहा हूँ, तो आपको
लाइव अपडेट मैं देता रहूंगा बिरला मंदिर के, बहुत सिनेमैटिक शॉट भी दिखाऊंगा आज आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम निकल रहे हैं, फिलहाल मैं स्कूटी स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी, स्कूटी पे जाएंगे आज, मेट्रो में जाएंगे। तो हम आ चुके हैं बिरला मंदिर, ये देखिए हमारे पीछे बिरला मंदिर है भाई। तो हम घर से निकले थे तो यहाँ से हमने सोचा कि एक बार बिरला मंदिर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। ये पहाड़गंज में है और गोल मार्केट के पास पड़ता है ये। पहले हम पहले यहीं रहा करते थे, अब विकासपुरी सेटल हुए तो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ये लोग देखती रहती, पब्लिक देखती रहती है। नहीं पता यार, लोगों को अच्छा पता लग रहा है, अपनी पुरानी जगह आ गए। मैं भी पहाड़गंज से ही थी। ये भी पहाड़गंज से ही है ना, ससुराल से वहां पड़ा। तो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से बिरला मंदिर। कौन सी वाली चाहिए? कौन सी? तो मम्मी यही चाहिए। हाँ अंकल मेरे को भी दे दो एक, मैं भी को पीछे रहूँ, मैं गरीब आदमी भी खा लेगा थोड़ी सी, क्या चला जाएगा। थैंक यू अंकल। तो आइसक्रीम खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं क्या अंकल? तो भाई सूरज की रोशनी से कैसा दिख रहा है, गजब का। ये जो फॉरनर आया ना, मैं इनसे बात करी थी, बढ़िया बंदा है, फिनलैंड से आए। तो फाइनली गाइज आज का दिन ख़त्म हुआ और आज बहुत तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया। इतना मेरे से बना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए इस ब्लॉग का मैं एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग लाता रहूँगा और कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो चलिए गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो गाइज खिड़की के बाहर व्हाइट कबूतर कितने आराम से बैठा हुआ है, देख रहे हो, हाथ से दिखाऊं आपको।